सरकारी जमीन होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं। आदमी बैठा कच्चे कच्चे में, वो बैठी मैक्सी में, पति नहीं बिगड़ती। हम लोगों ने बाहर सामान भी फेंक दिया, फिर भी कह रही मेरे को निकाल के देखो यहाँ से। आप यहाँ से देख सकते हैं घर का नजारा, अंदर सारा सामान घर का रखा हुआ है और ये सरकारी चौपाल है, जिसके बावजूद भी यहाँ पर वो लेडीज काफी समय से रह रही। यहाँ किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, बाहर रोड पर तो निकलने की नहीं है, कोई अपने ड्यूटी जा रहा है, काम धंधे में कहीं जा रहे तो निकलने की परेशानी हो रही है। मैं निकलने के लिए भी हजारों एप्लीकेशन दिए लेकिन एक दिन आके नहीं देखा। भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें तक के भी नालियों का पानी जा रहा है पूरा। ये अभी इतना पानी है लेकिन थोड़े टाइम में जैसे ही बारिश आती है ये पानी पूरा मंदिर के अंदर जाता है। और आप देख सकते हैं वहाँ शंकर भगवान की मूर्ति रखी हुई और शिवलिंग भी है और इसके अंदर पूरा पानी चला जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आपको पता है बारिश की वजह से हर जगह पानी की समस्या देखने को मिली है, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं अभी मौजूद हूँ वहाँ सिर्फ बारिश के समय ही नहीं, आप कभी भी यहाँ आएंगे यहाँ पर इसी तरीके का जो पानी की समस्या है और नालियों का जो हाल है वो हमेशा सेम ही रहता है। इसी को लेकर आज हम यहाँ पे लोगों के बीच में मौजूद है, इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके की समस्या इनके सामने आती है और किस तरीके से इन समस्याओं से ये निपटारा करते हैं। अभी मैं आपको एक जगह से अवगत करा, आप मेरे साथ ये जगह देख सकते हैं, एक बार आप खुद समझ जाएंगे कितनी ज्यादा जो परेशानी है लोगों को होती होगी। जो मेन रोड है ये यहाँ से निकलने का रास्ता है और यहाँ पर कितना ज्यादा कचरा जो रोड पे इकट्ठा है। यहाँ साइड में कूड़े का खत्ता था, जो कूड़े का खत्ता अब नहीं है। एक तरह से देख सकते हैं आप गाड़ियाँ कितनी ज्यादा कीचड़ में डूब के जा रही है। इन लोगों का कहना है कि ये कूड़ा यहाँ से उठाया नहीं जाता है, ऐसे ही ये कूड़ा रोड पर पड़ा रहता है। यहाँ का जो माहौल है इसी की वजह से इतना ज्यादा गंदा बना हुआ है। निगम पार्षद का काम होता है कि क्षेत्र में साफ सफाई रखना, लेकिन जिस तरीके से ये माहौल है आप देख सकते हैं साफ सफाई का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। कोई सरकारी जगह में काम मिलना चाहिए हमको कूड़ा गिरने के लिए, तो यहाँ ये रोड पे थोड़ा कूड़ा पड़ता है, ये बहुत परेशानी हो रही है। दुनिया के कितने दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ जो कूड़ा पड़ा है आप देख सकते हैं, ये जो गोबर इतनी ज्यादा इस कूड़े में पड़े, एक तरह से गाँव का ही है, तो इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भी थोड़ी बहुत कमी है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा जमा है। अच्छा, कूड़े का खत्ता जो इतना ज्यादा रोड पे, इसके बारे में क्या कहना? ये हटवाना है जी, ये शुरू से यही था या कहीं और? नहीं है, गांव में था, ये गांव से यहाँ भेजा गया। ये महेंद्रिया को ना हटवाया, यहाँ भेजा महेंद्रिया। तो यहाँ क्यों ये खत्ता यहाँ क्यों लगाया गया? क्या पता ये क्यों लगाया। आप एक बार यहाँ नालियाँ देख सकते हैं कितनी ज्यादा ओवरफ्लो है, ये नालियाँ ऐसे ही ओवरफ्लो रहती है यहाँ के लोगों का कहना है। रोड भी साथ में देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पानी भरा हुआ है। ये देखो नाली गली पानी नहीं है, सीवर चला के बंद कर रखे अभी तक चालू नहीं किए हैं, घरों में पानी जाता है, पूरी गली खोदी मिट्टी नहीं उठा के गए, इतना गंद खाना मच रहा है देख लो। अब आगे बच्चे भी ना कोई सफाई वाला आता नाली काटने, कोई ना गाड़ जाते तो कूड़ा उठाने नहीं आते, दो दो तीन तीन महीने में आते हैं। अच्छा, तो आप कंप्लेंट करते हो? हाँ, खूब कंप्लेंट कर करके आते हैं, कोई सुनता ही नहीं है मैम। सब बच्चे बीमार होते हैं, हमारे गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, पानी भी नहीं, आरओ लगाते, आरओ भी जब खराब हो जाता, मट्टी का पानी है यहाँ पे। जो विधायक है वो क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ले लेते हैं, कहते हैं हाँ करवा देंगे, कुछ बात ही नहीं है। फिर वोट लेने आ जाते हैं और वोट लेके फिर खत्म बात। अगर हमारा काम नहीं करा तो हम वोट नहीं देंगे कोई भी, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं करते। आ जाते हैं जब तक गली गली में ठोकर खाते घूमते, उसके बाद में अपने अपनी जगह पे आराम से बैठ जाते, हम परेशान होते हैं। कूड़े की गाड़ियां इधर आती हैं? बाहर मेन रोड से गाड़ी आती है मैम, यहाँ गली में अंदर गाड़ी नहीं आती और उसका भी कोई टाइम नहीं है, एक टाइम पे नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि हमारी गली अच्छे से बन जाए, ना यहाँ किसी लाइट की सुविधा गली में, ना और कुछ है, अंधेरे में बच्चे भी गिर जाते हैं। पीने का पानी कब से नहीं आ रहा? पहले गंदा आता था, वो तो काट दिया था, नाली का आता था, वैसे साफ पानी यहाँ कभी भी नहीं आया। नाली साफ करने जो कर्मचारी वो आते हैं एमसीडी के? नहीं जी, बहुत दिन बाद आते हैं, जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं उसके काफी टाइम बाद आते हैं, आ जाते हैं, नाली निकालते, कूड़ा नहीं ले जाते। क्या यहाँ से कूड़ा लेके जाते, इतना चलती बनती है? पाँच मिनट भी नहीं खड़ी होती है गाड़ी, भग जाती है, इतना कूड़ा लेके जाएंगे इतना तो भग जाती है वो, फिर बताओ कहाँ डाले। हर एक चीज से परेशान है, हर एक चीज से, कोई सब्जी वाला अंदर नहीं आता, डर के मारे खड्डे हैं, उनकी गाड़ी उलट जाए, ये सो बात हो जाए, बेचारे गरीब आदमी है वो भी। अभी तक आपने देखा क्षेत्र में जो समस्या मैंने आपको दिखाई वो लोगों की समस्या थी, लेकिन यहाँ पर इतनी हालत है, ये नालियों का जो पानी है, ये नाली बारिश के टाइम पे इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है कि ये देखिए मंदिर है पूरा, इन मंदिरों तक के अंदर पानी चले जाता है। इंसान तो छोड़िए, भगवान की जो मूर्तियां हैं उनकी हालत भी यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। ये अभी इतना पानी है लेकिन थोड़े टाइम में जैसे ही बारिश आती है ये पानी पूरा मंदिर के अंदर जाता है। और आप देख सकते हैं वहाँ शंकर भगवान की मूर्ति रखी हुई और शिवलिंग भी है और इसके अंदर पूरा पानी चला जाता है। लोगों को पूजा तक करने में इतनी जो समस्या है वो होती है।
मैम पानी इसके अंदर जाता है तो आप पूजा करने कैसे आते हैं? जी मैम कर ही नहीं पाते, वापस चले जाते हैं मैडम घर के। हमारी चौपाड़ है शादी के लिए जैसे बना देते हैं, उसमें एक कोई ऐसी पंडितानी सी बस गया के एमएलए के पास गए थे, वो कह रहा हाँ कोई बात नहीं रहने दो, ये थोड़ी ना मतलब होता है, मान लो हमारे गरीब लोगों की बेटी बहन बेटी की शादी होगी तो कहाँ करेंगे। वो नशेड़ी वशेड़ी रहते हैं उस जगह में, सरकारी जगह है जो शादी ब्याह के लिए बनाई जाती है, उसमें एक तो लेडी से पता नहीं कौन है और शराबी नशेड़ी उसमें रहते हैं, शादी ब्याह के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ, और वो धमकी देती है कि मैं नहीं निकलूंगी, जो करो तो करो तुम, पता नहीं किसके जरिए आई है, लेकिन वो कभी महेंद्र यादव का नाम लेते हैं, वो निकल नहीं रही, पूरा दावा कर रखा है, हमने बहुत जोर लगा लिया लेकिन वो लेडीज, और हम थाने में भी कहते हैं गुंडों को बुला दूंगी मैं, थाने इधर से पकड़वा दूंगी तुम्हारे को, नहाने जाते बच्चों के पर इंजाम लगाती है गंदे गंदे, बताओ आप मेरे को मारने आए, मेरे को पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, परेशानी है इसको भी। आप देख सकते हैं ये ना पूरी की पूरी गांव की चौपाल है, जहां पर गांव के लोगों द्वारा कोई भी जो प्रोग्राम होता है गांव का वो यहां किया जाता है, कोई भी फंक्शन हो गए, कोई शादी हो गई, सरकारी जमीन होने के बावजूद भी यहां पर कोई कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं, और देख सकते हैं खिड़की से देख सकता है कि इसमें लोग रहते हैं, चार चार मशीन कपड़े धोने की, चार चार टीवी, ये पूरा घर कमरा भर रखा, कहाँ से लाती क्या करती है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग? ये 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए इसको, पत्ती नहीं लगती, हम लोगों ने बाहर सामान भी फेंक दिया, फिर भी कह रही मेरे को निकाल के देखो यहाँ से। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोग अपने फंक्शन कहाँ करते हैं फिर? अब क्या करें, टेंट लगा लेते हैं रोड के ऊपर करते हैं, नहीं तो हम इधर ही करते थे, ये हमारी चौपाल है जिसको धर्मशाला कहते हैं, हमारे रिश्तेदार जैसे ब्याह शादी इधर ही रुकती थी, बरात भी रुकती थी पहले, यही करते थे, अब जब तो ये आए यही हम रोड पे टेंट लगाते हैं वहीं पे करते हैं, ये निकलती नहीं है, पोच पता नहीं कहाँ कहाँ तक बताती है, आगे तक की पहुँच है, और मैं नहीं निकलूंगी, जो भी कुछ होता हो तो कर लो। अच्छा यहाँ पर मीटर कौन सा लगा हुआ है जो बिजली जहाँ से आती है? सरकारी है ये तो, शायद लगी होगी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का जो यहाँ माहौल है, जो भी जो नाम प्लेट है यहाँ पर लगाई गई थी जो चौपाल की थी वो भी यहाँ से उखाड़ दी गई। अच्छा मैडम यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस घर के अंदर? लेडी से रहती है मैम, पिछली तरफ दरवाजा खोल रखा है, यहाँ पे ताला रखती है, अगर कोई आता बाई चांस आदमी आते हैं तो पीछे से निकालती, आदमी बैठा कच्चे में, वो बैठी मैक्सी में, आदमी को तो हमने मार के भगाया, अब वो फिर थाने में गई है, उसने रिपोर्ट लिखाई है, हम महेंद्र यादव के पास गए, फिर क्या ना फिर ले आए वो 3-4 आदमियों को। अच्छा अकेले रहती है, बच्चे वगैरह कोई साथ? कुछ नहीं है, तो कह रही मैं पुजारण हूँ। अच्छा तो अभी कहाँ है वो इस वक्त? क्या पता कहाँ गई है, रात को आएगी 11 बजे 12 बजे रात को आती है, रात आदमी आते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप ही निकाल देती है सुबह। तो आपने देखा किस तरीके की समस्या इस गांव में देखने को मिली, सिर्फ पानी नाली और कूड़ा ही नहीं बल्कि एक चौपाल की भी समस्या हमारे सामने आई है, ये सरकारी जमीन है इसके बावजूद भी यहां पर लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के लोगों का जो प्रोग्राम फंक्शन जो यहां करवाते हैं उनको करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं आता तो कौन सा पानी पीते हो? आरओ का पीते हैं, बरमिया का जमीन का पानी है, आरओ का पानी है, वो भी खराब हो जाता है, कोई मोल का लाता है, कोई वैसे कैन भर के लाता है, उठा के कहीं कहीं से पानी लाते हैं, बाहर रोड पे तो निकलने की नहीं है, कोई अपने ड्यूटी जा रहा है, काम धंधे में कहीं जा रहे तो निकलने की परेशानी हो रही है हमें निकलने के लिए भी। अच्छा मैम जो रोड पे इतने टाइम से कूड़ा जो है आपके वहाँ पे कब से है? वो रोड पे उम्र तो बहुत साल हो, कई साल हो गए, गिरते पड़ते जाते हैं, बाइक गिर जाती है, कम से कम हजारों एप्लीकेशन दिए लेकिन एक दिन आके नहीं देखा, एक बारी भी नहीं आया, कोई नहीं आया, एप्लीकेशन को कहते हैं हाँ आ जाएंगे, पागल समझते हैं बताओ, दूसरी गलियों में रोड बना के चले जाते हैं और हमारे में कहेंगे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ यही दो गली की रोड नहीं बनी है सबकी? जी ये दो गली और बाहर मेन रोड ये नहीं बने, बाकी चारों तरफ से बना हुआ है, एमएलए जो कुछ करवाता ही नहीं उसी के ऊपर बात है जी ये सारी। ये नाली जो ढकी हुई है ये आप लोगों ने खुद ढकी है? हमने खुद ढकी है मैडम, ये बच्चों के मारे ढकी हुई है, मच्छर गंद इतना निकलता है इन्हों में बताओ, एक उधर पहले बच्चा गिर गया था नाली में, सब जगह ढूंढते आएंगे लेकिन वो नाली के अंदर पाया, फिर डूब गया नीचे। आप देख सकते हैं किस तरीके का जो यहाँ माहौल है, ये पानी ऐसे ही हमेशा जमा रहता है, गंदगी कितनी ज्यादा इन कोने पे जमा है लोगों के घर के आगे, जिस तरीके से इनको जाने में और रहने में यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कितना ज्यादा पानी जमा है जिसमें मच्छर भी पनप रहे हैं जो एक तरह से बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो महेंद्र यादव यहाँ के विधायक है उन तक ये बात जरूर पहुंचे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको दिल्ली।